खाना लगाऊंगा। नहीं सर, सुबह जो मारीज खत्म हो गया नहीं, या तो आप लोग जाइए तो हम लोग से गल 6 बजे लेके निकलो यहाँ से, ठीक है। हम सर 6 बजे निकले, मरीज की दवा दी गई है। नहीं सर, रोज चल रही सर, ले जाते समय मरीज के मुंह से झाग निकल रही थी, निकल रहा था, इंजेक्शन लगाए थे सर, शुरू से सर हमें बोले कि ठीक है चाहे इसको दिल्ली ले जाओ। क्यों ले गए बेटा सर? पोस्टमार्टम नहीं तो सर, जब कोई रिस्पॉन्ड नहीं, मुंह से झाग भी निकल रही है तो हम डरेंगे नहीं सर। किसी चीज पे वो खड़े उतरे हो सर, बताइए, सब आ जाएगा सर, ठीक है। पर आप लोग सर वहाँ बैठे थे, बताइए कार्रवाई होगी क्या? इनका सर 1 सेकंड, आपका पर डे कोई काम है, गलती आपसे नहीं हो सकती। ये जो सुबह मर गया उसका जो है पूरी दवा अब लिखे है, मरे आदमी की दवा हमारे मरीज को दिए हैं दवा, ठीक है। उसके बाद इनके यहाँ पहले यूबी यादव के यहाँ ले गए हम लोग, जो हकीकत एकदम साफ बता रहा हूँ, ठीक। उसके बाद ये होगा, कहते हैं भाई, कहते हैं कंपनी में काम करने वाला आदमी है, रोज कमाने वाला आदमी है, ठीक है। ये हुआ कि इनका कार्ड बनाओ, कंपनी वालों ने कहा कि पैसा हम पूरा देंगे, आप हमारे यहीं, हमारा कार्ड जो है वो शकुंतला हॉस्पिटल से रजिस्टर्ड है, आप वहाँ पे इलाज कराई ले जाके, वहाँ पे पूरा पैसा कंपनी देगी, ठीक। एक बार इनसे पूछने भी आए यहाँ पे, कहते हैं कुछ लोग आए, कहते हैं इनके साथ, ठीक है। हाँ, मनीष ने परमिशन दी थी, मनीष यहाँ पे जो एम्प्लॉय क्लर्क जो है मनीष जी, उन्होंने कागज देखा तो वो कहे एकदम लेके आइए, यहाँ पे इलाज होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऑपरेशन हो जाएगा। हाँ, लेकिन ऑपरेशन में ऐसी जगह, कहते हैं मेन ऐसी जगह पे फ्रैक्चर है कि वहाँ पे ऑपरेशन अगर करते भी तो सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, कहते हम गारंटी नहीं ले सकते। हाँ, बंदा कहते हैं उठ सकता है, लेकिन हाँ मरने वाली स्थिति कोई नहीं थी, मरने वाली कोई स्थिति थी ही नहीं, ठीक है। पंकज गुप्ता ने भी कहा था, यहाँ पे लेके आए गए पेशेंट, लाए यहाँ पे हम लोग 31 तारीख को शाम को रात में इन्होंने एडमिट किया। फिर उसके बाद हम लोग दूसरे दिन मॉर्निंग में, कहते हैं ये कुछ लोग और थे, घर के ही लोग थे, उन्होंने कहते हैं इनसे राय लिया कि सर अगर आपका आपके पास कोई एक बढ़िया डॉक्टर अगर हो तो, वो कहे पंकज गुप्ता है, तो ये पंकज गुप्ता से हम नहीं कराएंगे। तो ये हुआ कि भैया, कहते हैं कोई डॉक्टर हम बढ़िया बुला दें, तो कहे नहीं हमारे हॉस्पिटल, हाँ अमित सचिन जी का नाम लिया गया था, ठीक है इनको हम बुला दें, तो कहे हमारे यहाँ कोई डॉक्टर बाहर से नहीं आता, पंकज गुप्ता जी हमारे यहाँ है, वही देखेंगे। ये मरीज को रीढ़ की हड्डी में चोट लगी थी, ऊपर से नीचे तक पैरालाइज था, और इसको ESI कार्ड से इलाज होना था। अब क्या उसको दिक्कत है, ESI वालों ने कैशलेस करने से कुछ उसमें आनाकानी करी, कुछ उसमें कहीं ऑपरेशन नहीं होता, इन्होंने कहा कि हम यहाँ पे इलाज नहीं कराएंगे, लोग यहाँ से लामा करा के ले गए। मरीज यहाँ से ले गए, 45 मिनट बाद वापस लाए, कह लेंगे कि आपने सुई लगाया उससे हमारा मरीज सीरियस हो गया है। ये पहले यहाँ पर इलाज कराने जाते थे, डॉक्टर ओपी सिंह से इलाज कराने जाते थे, कैशलेस के लिए आए थे, हमको लगा कैशलेस नहीं हो पाएगा, यहाँ से पेशेंट ही ले गए। भाई वापस जब लाए हैं तो मरीज मरणासन था, तब ये कहने लगे कि आपने कौन सी सुई लगा दी कि मर गया, हम भी आश्चर्यचकित कि हो क्या गया है। पाएगा दिन FIR लाज, थोड़ा रुक चला लो अपने, इसको भी माइक चला लो, ठीक है, नहीं चला सकते, ठीक है, साहब होंगे तभी बाइक चलेगी। पंचायतनामा के बाद पोस्टमार्टम होगी, उसके बाद इसकी रिपोर्ट CMO को जाएगी, वो जाँच कर लेंगे, अगर नेग्लिजेंस होगी तो FIR, इसकी एक प्रक्रिया है। 6 बजे लेके निकलो यहाँ से, ठीक है। हम सर 6 बजे निकले, मरीज पहले की दवा दी गई है, नहीं सर दवा रोज चल रही सर, ले जाते समय मरीज के मुंह से झाग निकल रही थी, इंजेक्शन लगाए थे शुरू से, सर हमें बोले कि ठीक है चाहे इसको दिल्ली ले जाओ। क्यों ले गए बेटा सर? पोस्टमार्टम नहीं तो सर, जब कोई रिस्पॉन्ड नहीं, मुंह से झाग भी निकल रही है तो हम डरेंगे नहीं सर। किसी चीज पे वो खड़े उतरे हो सर, बताइए, सब आ जाएगा सर, ठीक है। पर आप लोग सर वहाँ बैठे थे, बताइए कार्रवाई होगी क्या? इनका सर 1 सेकंड, आपका पर डे कोई काम है, गलती आपसे नहीं हो सकती। है ये जो सुबह मर गया उसका जो है पूरी दवा अब लिखे है, मरे आदमी की दवा हमारे मरीज को दिए हैं दवा। नहीं सर, ये तो सुपर मरीज लगा है।
अरे बातें सुबह जो मरीज खत्म हो गए नहीं या तो आप लोग जाइए हाँ।